स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो हम लोग वापस से आ गए अपने आईडी में बहुत सारा डायमंड उड़ाने के लिए, क्योंकि तुम लोगों को तो पता है कि फ्री फायर में कोई ना कोई इवेंट आता ही रहता है। चलो पहले स्टोर में जाकर देखते हैं कि इस बार कौन सा इवेंट की बारी है। ओह भाई साहब, अबे यार इसका देख यार लुक भाई, क्या खतरनाक लग रहा है। और देखिए यहाँ पर एक ब्लू वाला भी है। ओह भाई क्या लुक है इसका यार, क्या मस्त लग रहा है इसका। तो इसका इवेंट किधर है, इसका इवेंट चलो देखते हैं। भाई इसका इवेंट तो बहुत खतरनाक होना चाहिए। इनक्यूबेटर है क्या ये, इनक्यूबेटर जैसा लग रहा है। नहीं यार ये डांसर रिंग भाई साहब, अबे यार ये कोई न्यू इवेंट है। और देखने में देखो क्या खतरनाक लग रहा है। यहाँ पर व्यू मोड क्या है, मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत सारा ऐसा ऐसा चीज होगा खतरनाक। ये क्या दे रहा है यार व्यू मोड पे दावे, तो इसको डाउनलोड करने बोल रहा है, चलो करके देखते हैं। ओ भाई साहब टैप टू क्लोज, चलिए यहाँ पर टैप टू क्लोज की। अबे भाई ये समुराई मिल गया क्या मेरे को। ओ भाई यहाँ देखो यार सकुरा बंडल भी है, गोल्डन सकुरा, गोल्डन सकुरी भाई कसम से यार। भाई इसको 80 टोकन दिखा रहा है क्या यहाँ पर। अबे भाई ये सब में से कुछ भी मिल सकता है हम लोग को 80 टोकन में। 110 टोकन, 80 टोकन, 95 टोकन, भाई ये तो लॉटरी लग गया। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था भाई, इतना जल्दी कैसे दे सकता है गोल्डन सकुरा। भाई कोई बात नहीं यार, चलो हम लोग निकालते हैं ये इवेंट। भाई ये ब्लू वाला और इतना सारा टोकन भी है, भाई ये टोकन को करना क्या है मगर। ओ भाई अबे यार भाई ये टोकन से भी बंडल निकलेगा और वो टोकन से गोल्डन सकुरा, मतलब ये इवेंट तो एकदम मजेदार है यार, कसम से मजा आ गया ये इवेंट देखकर। भाई ऐसा इवेंट तो गेरी ना आज तक नहीं दिया है। भाई ये बैकपैक देखो यार क्या खतरनाक है, मेरे ख्याल से तो इसमें 10-15 हजार डायमंड तो लगेगा, मगर कोई दिक्कत नहीं हम सारा डायमंड उड़ाने वाले हैं। चलो सबसे पहले अपने आप ट्राई करते हैं 20 डायमंड का स्पिन से, देखते हैं कि इसका लक क्या होता है। अबे यार 20 डायमंड में एक टोकन निकला है, मतलब कि ये लक ज्यादा काटेगा, ये डायमंड तो ऐसे भी ज्यादा काटेगा क्योंकि सकुरा है यार, सकुरा बंडल गोल्डन सकुरा भाई बहुत ज्यादा होता है। चलो यहाँ पे 200 का स्पिन मारते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या एक आध बंडल इसमें निकलता है, मगर वोला टोकन मिलेगा कैसे, शायद वोला पूरा बंडल निकालने पे एक टोकन मिलता है ऐसा कुछ। तो चलो देखते हैं, इसमें एक भी बंडल नहीं निकला है, खाली टोकन दिया है, बहुत सारा टोकन दिया है। भाई एक बंडल को निकालने में हम लोग को 200 टोकन लगेगा, 200 टोकन बोल रहा था ना इधर। हाँ देखो 200 टोकन इसका है, 200, 400, 500, मतलब पूरा 800 टोकन, 700, 700 टोकन, 800 टोकन चाहिए हमको। चलो एक बड़े और मारते हैं पूरा 200 डायमंड का स्पिन। भाई हमको रहा नहीं जा रहा यार, हमको वो गोल्डन सकुरा चाहिए। अबे यार ये बंडल भी निकल जाए एक तो, एक बंडल में शायद 10 टोकन मिलेगा, तो भाई 40 टोकन यहाँ से, भाई मजेदार ही है। अबे यार एक बंडल निकल जाए, अरे यार खाली टोकन दिए जा रहा है। भाई ये इवेंट तो बहुत ज्यादा ही काटने वाला है मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि गोल्डन सकुरा का बात है तो डायमंड तो लगेगा ही। चलो एक बार और मारे पूरा 200 डायमंड का स्पिन इस बार। अबे यार एक बंडल पे रुक जाना, बस एक बंडल पे यार, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई, खाली एक टोकन दो टोकन, एक टोकन दो टोकन ऐसे चल रहा है। भाई इतना क्यों काटता है यार, गोल्डन सकुरा दिया तो मतलब ऐसे काटेगा। चलो कोई बात नहीं, इस 400 डायमंड बचा है तो चलो एक बड़े और मारते हैं 200 डायमंड का स्पिन। ये जो ये क्या है यार, ये बैटरी निकल जाए, बैठ है ना, पता नहीं क्या है यार, कुल्हाड़ी जैसा लग रहा है। चलो 200 डायमंड का स्पिन तो हम लोग मार दिए है इसमें। ए यार इसमें क्या निकला यार, पता ही नहीं चला क्या निकला भाई। अरे यार गलती से हम 20 का स्पिन मार दिए थे क्या यार, हमको 200 का स्पिन मारना था। एक सेकेंड भाई, हमको लगा कि हम 200 का मार रहे हैं और गलती से लगता है 20 पे दाब दिए थे। भाई मेरा ध्यान था वो गोल्डन सकुरा पे यार, स्किप करने पर भी नहीं निकलता है बताओ। चलो यार अब लास्ट स्पिन पे आगे, देखो हम लोग पास मात्र 200 डायमंड बचा है यार, एक तो बंडल निकल जाए यार, 1000 डायमंड में भी एक बंडल नहीं निकलेगा तो फिर क्या फायदा स्पिन मारने का। यार कुछ निकला है क्या भाई, ऐसा लगा कि कहीं रुका है। भाई प्लीज यार गिरी ना इसमें दे देना, तभी हम लोग टॉप अप करेंगे, कुछ ना कुछ तो दे दे भाई। यार काट लेता है, ओ भाई निकला है कुछ, कुछ तो निकला है यार, ये तो ये दे दिया यार, ये कुल्हाड़ी दे दिया लगता है भाई। चलो यार मगर इसका लुक देखो, मतलब गजब लग रहा है यार, ये कोबड़ा वाला है जो राक्षस के पास नहीं होता है डंडा, वो ऐसा टाइप का है। चलो ये तो मिल गया, 42 डायमंड बचा है। चलो थोड़ा तो पहले टॉप अप कर लेते हैं, यहाँ देखो पहले मंथली वीकली बचा हुआ है, सबको पहले क्लेम कर लेते हैं।
अब चलते हैं यहाँ पर हम लोग टॉप अप करने के लिए। तो यहाँ हम लोग 1-2 रुपए का टॉप अप करेंगे नहीं, हम लोग करेंगे पूरा 1600 रुपए का टॉप अप, क्योंकि हमको चाहिए बहुत सारा डायमंड। इतना सारा डायमंड चाहिए कि हमको वो गोल्डन तो निकल ही जाए यार, गोल्डन सकुरा सकुरी। इस बार तो छोड़ेंगे नहीं भाई, पिछला बार मेरे को दे दिया गिरी ना उसके बाद ले लिया था, मगर इस बार तो हम ले ही के छोड़ेंगे। चलो यहाँ पर टॉपअप तो हो गया है, बस आईडी पे कितना डायमंड आया है, और पहले टॉपअप इवेंट क्लेम करते हैं। यहाँ देखो ये M82B का स्किन, चलो इसको ले लिए। और ये बैकपैक कोबरा वाला भाई, ये भी मस्त है। चलो ये दोनों तो ले लिए, अब हम लोग करेंगे स्पिन भाई। अब 2300 डायमंड हो गया है, चलो 200 डायमंड से शुरुआत करते हैं। पहला स्पिन मारे हैं, और हमको पता है कि इतना जल्दी तो कुछ निकलने से, अगर इसमें निकल जाता तो मेरा लक बहुत अच्छा होगा शायद से, मगर मेरे को तो नहीं लगता है कि कुछ देगा। अबे भाई कहीं रुका है, तुम देखा कहीं रुका है? ओ भाई सा खर्च ले सर लड़की वाल। अबे भाई रुका लड़की वाला पे निकल गया लड़का, भाई ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अरे यार कोई ग्लिच हुआ है मेरे ख्याल से, चलो कोई बात नहीं। एक और कौन चले सर, भाई लड़की वाला भी निकल गया भाई, एक ही साथ दो दो बंडल कैसे निकल सकता है यार, कसम से यार मजा आ गया। देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। चलो एक ही साथ दो दो बंडल तो निकल गया थे, एक और मारते हैं पूरा 200 डायमंड का स्पीड भाई। अब देखो निकलना चालू हो गया है बंडल, अब मेरे पास 2000 डायमंड अभी भी बचा है, और मात्र 2 बंडल निकालना और एक बैकपैक। अबे यार इतना सारा चीज निकल रहा है टोकन यार, इसमें तो नहीं देखता, हमको ऐसा लग रहा था क्योंकि इसका जस्ट एक पहले स्पिन में दिया था उतना सारा बंडल, तो अभी कम से कम 500 डायमंड में तो कुछ नहीं देखा, देख लेना हमको पता है उसके बाद शायद एक बंडल निकलेगा। देखो इसमें भी कुछ नहीं देखा, आपको इतना लग रहा है वो 200 भाई, वो आपने देखो 200 टोकन भी है भाई, अभी हम गौर किए भाई कसम से यार, एक बार उसमें निकल जाए तो एक बंडल तो कन्फर्म आ जाएगा यार, इसमें नहीं दिया है। चलो ये लास्ट 200 का स्पिन और मारते हैं, उसके बाद हम लोग को लगता है बंडल दे देगा। चलो इसमें भी बंडल शायद नहीं देगा, मेरे को 200 टोकन दे देना बहुत होगा भाई कसम से यार, वो 200 टोकन पे रुक जा। अबे यार वो 200 यार ये कौन भेज रहा है यार वो 200, अबे रुका क्या भाई, ऐसे देखने में तो लगा है कि वहाँ रुका था, अबे यार नहीं रुका है। चलो अब देखो स्पिन हम मारते हैं, स्पिन मारेंगे इस बार तो मेरे ख्याल से तो निकल जाना चाहिए, इस बार कोई ना कोई बंडल 100% निकलेगा, तुम देखते जा। मेरे को ऐसे लग रहा है कि निकलेगा बंडल, क्योंकि अभी तक हम लोग 500 डायमंड से ज़्यादा तो उड़ा दिए हैं यार, नहीं निकल रहा है क्या? अबे यार गेरीना पता नहीं यार ऐसा क्यों काटने लगता है भाई, देता है तो इतना ज़्यादा देने लगता है, नहीं देगा तो कुछ भी नहीं। देखो 1100 डायमंड पे ला दिया, फिर से 200 का स्पिन मारा है यार, अब इसमें भी नहीं निकला तो भाई कसम से गेरीना काटने का मूड में आ गया होगा यार। देने वाला जब भी लेता मतलब लेता है तो भाई ऐसा लेता है कि भाई कहीं मुंह दिखाने का लायक नहीं रहता भाई क्या बोले यार। चलो इसमें भी नहीं दिखा है, अभी 1100 डायमंड है, तो भाई अभी तो हम लोग 5 स्पिन मार सकते हैं भी, मतलब कुछ भी करके यार बिना कुछ सोचे समझे 5 स्पिन तो मार सकते हैं। इसमें भाई एक बंडल चाहिए यार, एक बंडल और निकल जाए उसके बाद भाई गोल्डन निकालना था हम लोग को। अबे यार ये दोनों बंडल निकालना पड़ेगा यार, ये दोनों बंडल निकलेगा तभी शायद हमको गोल्डन देगा, गोल्डन सकुरा जो है ना वहाँ वाला, ये दोनों बंडल निकाल लेंगे तभी जाके लगता है हमको मिल जाएगा। अबे हम लोग का 246 टोकन यहाँ हुआ है, और ये बैकपैक और ये सब निकालने में 390 टोकन चाहिए यार, 390 टोकन यहाँ करना है यार। चलो कोई बात नहीं, यहाँ हम 390 टोकन निकाल के रहेंगे, चलो देखते हैं ये 700 डायमंड में क्या निकलता है उतना टोकन। यार एक बंडल या एक बैकपैक कुछ भी निकल जाए तो मेरा हो जाएगा काम, मगर नहीं यार गिरी ना। अबे अबे यार ये तो वही चीज दे दिया जो पहले दिया था, हमको लगा कि कुछ दिया है बैकपैक यार, गेरीना तो काटता है। चलो एक बार और मारते हैं 200 डायमंड का स्पिन यार, अभी तो गोल्डन से कूड़ा निकालने वाला है यार। जो जो अभी तक मेरा वीडियो देख रहा है जल्दी से एक लाइक और सब्सक्राइब करना चालू कर दो यार, तुम लोग सब्सक्राइब करता नहीं है यार, कितना दिन से हम लोग सोच रहे कि 500,000 सब्सक्राइबर हो गया तो हम लोग लाइव करेंगे, लाइव में हम लोग गिव अवे करने वाले हैं, तो जल्दी से पहले 500,000 सब्सक्राइबर पूरा दो यार, इतना तो तुम लोग कर सकते हैं, इतना ज़्यादा डायमंड उड़ाते हैं ना, तो मेरे पास वीवेज वगैरह कुछ भी नहीं है फिर भी डायमंड उड़ाते हैं यार, फिर भी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार। हम लोग देखो फिर से 200 का स्पिन मारे हैं यार, अब तो 300 डायमंड पे आ गया। ओ भाई निकला है क्या यार, लड़कीला निकला है, मतलब कुछ ना कुछ तो देगा, इसके बदले हमें को टोकन देगा बहुत सारा। ये देखो कांग्रेचुलेशन, ये लड़कीला हमको पहले से तो मिल गया था, फिर से दिया है इसके बगैर
अरे यार कोई टोकन वोकन नहीं दिया क्या? अबे यार इसके बदले टोकन भी नहीं दिया, हमको लगा टोकन देगा। बताओ यार कैसे काटता है गेरीना। अब लास्ट डस्टबिन पे आ गया और लास्ट डस्टबिन में देखते हैं कितना टोकन निकलेगा मेरे लोग का। भाई हमको तो अब बंडल पे तो भरोसा ही नहीं रहा कि बंडल भी निकलेगा। चलो एक बार और स्पिन मार के देखते हैं, अगर टोकन ही निकल जाए तो वही सही है। मगर एक बात तो है, ये इवेंट बहुत ज्यादा ही आवाज करता है। देखो ना कितना हुर हुर कर रहा है, पता नहीं इसका हाथ में क्या दे दिया है और वो पूरा आवाज ही करते रहता है। यार ये लास्ट स्पिन है और इसमें भी नहीं निकलेगा। भाई हमको कैसे बंडल निकाले यार, हमको सबका सब बंडल निकालना है और तभी जाकर हमको वो सकुड़ा शायद मिलेगा, ऐसा कुछ होगा। तो अभी कितना टोकन हुआ है मेरे पास? 338 टोकन हुआ है और हमको चाहिए 390 टोकन, मतलब टॉप अप ही करना पड़ेगा। तो कितना का टॉप अप करेंगे तो हो जाएगा, मतलब 52 टोकन चाहिए। तो यहाँ हम अगर 240 रुपये का टॉप अप करते हैं तो मेरे ख्याल से 3 स्पिन हम लोग मार सकते हैं। दो स्पिन मार लेंगे, हाँ 2 स्पिन तो कन्फर्म ही मार लेंगे। चलो यहाँ पर हम लोग 240 रुपये का टॉप अप कर लेते हैं, क्योंकि 788 रुपया अभी तक लास्ट मेरे पास है। उसके बाद अगर भी नहीं निकलेगा बंडल तो हम लोग चारों बंडल तो निकाल करेंगे, क्योंकि हमको निकालना मेन है कि वो सकुड़ा बंडल। भाई अगर सकुड़ा निकल जाता है यार, कसम से गोल्डन सकुड़ा सबको चिढ़ाएंगे यार सबको। चलो यहाँ हो गया है, अब यहाँ मारेंगे पूरा 200 डायमंड का स्पिन। अबे यार 52 टोकन चाहिए यार, तो 200 डायमंड का स्पिन में तो निकल जाएगा। 52 टोकन मात्र चाहिए, 52 या 42 टोकन चाहिए था शायद से, यार 52 ने 42 टोकन चाहिए। अबे 10 निकला भाई, 10 निकला ऐसा लगा है। अरे बंडल भी निकल गया यार, मगर बंडल लगता है पहले ही वाला दिया क्या भाई? ऐसा लगा कि मेरे को बंडल निकला है, मगर वो 10 टोकन देखे थे। ये देखो खर्च ले सर। अबे यार ये बंडल तो पहले ही वाला निकला है, हमको लगा कि इधर निकला है। चलो कोई बात नहीं, ये पहले वाला बंडल निकला, मगर टोकन 10 टोकन किधर गया है? हाँ ये देखो 10 टोकन भी निकला है भाई, मजा आ गया। इस बार का मतलब सबसे बेस्ट स्पिन यही था, एक वो था जिसमें दो दो चीज निकला था। चलो एक बड़े और लास्ट स्पिन मार लेते हैं हम लोग को 200 डायमंड का, उसके बाद देखते हैं कितना टोकन निकालना है। मात्र हम लोग को चाहिए 24 टोकन, 24 टोकन चाहिए ना, हाँ 24 टोकन और चाहिए। देखते हैं क्या इस स्पिन में तो 24 टोकन निकालने चला है। मेरे तो नहीं लगता कि 24 टोकन यहाँ से निकलेगा। अगर 1-10 निकल जाए तो कन्फर्म हो जाएगा, मगर यार 10 निकल जाए, 200 निकल जाए यार, 200 तो एक भी बार नहीं दिया है यार, 24 टोकन नहीं हुआ होगा। एक सेकंड मेरे को देखने दो कितना टोकन अभी तक हुआ है मेरा, क्योंकि अब मेरा पूरा डायमंड ही खत्म हो गया। 390 टोकन भाई, पक्का पक्के 24 टोकन निकला क्या इसमें भाई? 390 हो गया है। तो चलो पहले इसी को निकालते हैं, ये ब्लू वाला। भाई मजा आ गया यार, क्या लक है मेरा, पक्का पक्की डायमंड गया और पक्का पक्की उतना निकल गया है। और ये देखो ये बंडल, ओ भाई क्या खतरनाक है भाई। ये हुई ना बात, अभी सकुड़ा निकालेंगे ना, तो उससे पहले हमको ये बंडल भी निकालना पड़ेगा। और 150 में तो दे रहा है, तो चलो इसको भी निकाल लेते हैं कॉन्स्टेलेशन के साथ। ये देखो ये बंडल भी निकाल लिए। अब देखो मेन चीज बताए जो कि है वो बैकपैक। भाई वो बैकपैक क्यों छोड़ना, क्योंकि उसी के लिए तो हमने 40 उड़ाए थे। तो चलो इसको भी निकाल लेते हैं ये बैकपैक। ऐसे तो लग रहा है कि कोई जीव है, मतलब कोई जानवर जैसा लग रहा है, पर चलो ये भी सही है। अब हम लोग निकालना है वो सकुड़ा। चलो यहाँ पे व्यू मोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं। इसी से तो हम लोग गए थे वोला इवेंट में, जिसमें हम लोग को सकुड़ा दिख रहा था भाई। मगर ये गोल्डन सकुड़ा भाई, यहाँ देखो सब चीज तो निकाल ली है, मगर ये गोल्डन सकुड़ा निकलेगा कैसे यार? ये क्या है यार, इधर कोई बॉक्स है भाई, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। इधर भी कुछ नहीं है यार भाई, ये गोल्डन सकुड़ा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यहाँ 80 टोकन में तो दिखा रहा था भाई। यार ये कुछ ग्लिच विलिच है क्या भाई? तुम लोग मेरे को कमेंट में बताओ यार, मेरे को कसम से कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। हम इसके चक्कर में सारा का सारा बंडल वगैरह सब निकाल लिए यार, अब ये भी बंडल नहीं निकला यार। गोल्डन सकुड़ा मेरे को चाहिए भाई, चाहिए क्या यार? तुम लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि अगर वहां से निकल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता है तो पर भी ठीक है यार, मगर तुम लोग कमेंट में बताना यार, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में निकाल के दिखाते हैं। अगर जिसको पता है वो मेरे को बताओ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हाँ या ना में बताना यार, हम कमेंट में पढ़ के सबका लाइक देंगे। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।